वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू. होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. सो नाउ लेट्स रिकंटिन्यू आवर चैप्टर अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, इन विच वी ऑलरेडी रेड अबाउट द यूरोपियंस, डच और द फ्रेंच पीपल्स. नाउ वी विल कम टू नो अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. सो लेट्स स्टार्ट. With the decline of Mughal Empire, many small kingdom arose, and one of the main kingdom was Bengal. Yes, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में एंट्री किया था, एट दैट टाइम द लास्ट मुगल एम्परर और द पावर ऑफ द मुगल एम्परर इज गोइंग डे बाई डे वीक. सो एट दैट टाइम द बंगाल वॉज अ वेरी रिच किंगडम. द ब्रिटिश वॉन्टेड टू कैप्चर बंगाल. दिस लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757. In 1757, Battle of Plassey, in which the British under the leadership of Robert Clive fought against Siraj-ud-Daulah, the Nawab of Bengal, who was defeated and put to death. 1757 के अंदर जब हमारा जो मुगल एम्पायर के बाद जब हमारा किंगडम जो है वो वीक होने लगा था, जब इंडिया वीक होने लगे था, उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी. उस टाइम पर जो है बंगाल जो था वो सबसे रिच किंगडम था. तो द ब्रिटिशर्स वांट देयर लीडरशिप. सो इन दैट इन 1757 अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव दे फोट अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल. एंड एट दैट टाइम द नवाब ऑफ द बंगाल वॉज सिराजुद्दौला एंड हु वॉज डिफीटेड एंड पुट टू डेथ. और जिसको जो कि हार गया था और उसकी डेथ हो गई थी. दिस वॉज फॉलोड बाई अनदर बैटल. ये था बैटल, हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी. इसके जस्ट बाद ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, दैट इज़ इन 1764. सो दिस वॉज फॉलोड बाई अनदर बैटल, द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764. इन दिस बैटल थ्री इंडियन रूलर केम टूगेदर टू फाइट द ब्रिटिश एंड फ्री द टेरिटरी फ्रॉम ब्रिटिश रूल. एज इन द starting of the line you are aware that the Bengal was the rich kingdom and the British won their leadership, and at that time Lord Robert Clive, under the leadership of Robert Clive, he was fought against the Siraj-ud-Daulah at that time in 1757, but the Siraj-ud-Daulah was defeated and put to death. And after this battle of Plassey, after a very few years another battle was followed, that is the battle of Buxar, और जो कि तीन rulers के बीच में हुई थी. In this battle three Indian rulers came together, जो कि तीन rulers थे एक साथ जो आए थे किसके साथ लड़ाई करने के लिए, ब्रिटिशर्स. एंड दैट वॉज मीर कासिम सिराज सुजाजुद्दौला एंड द शाह आलम सेकेंड. शाह आलम सेकेंड द मुगल एम्परर एंड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, सुजाजुद्दौला द नवाब ऑफ द अवध. दे फोट against the Britishers. The British once again emerged victorious. और एक बार फिर जो थे ब्रिटिशर्स जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जीत गई. Now the British once again emerged victorious. Thus Bengal came under the rule of the British. They now captured more and more kingdom through policies like subsidiary alliance and the doctrine of lapse. जैसे कि बैटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको अच्छे से समझ लो. बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. पहले जैसे कि हमें पता है कि यूरोपियंस जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोपियन, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ये क्या करने आए थे हमारी कंट्री में, ट्रेड करने आए थे. लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंडिया जो है देयर रूलर्स वर वेरी वीक, दे डोंट हैव एनी पॉलिसी और द कल्चर, दे आर द वेरी, उनको दबाया जाता है, वो जल्दी से उनको बेवकूफ़ बनाना इजी है. तो उन्होंने इसको देखते हुए, इवन ट्रेड्स के बहुत सारे बेनिफिट्स को यहाँ पर देखते हुए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम धीरे धीरे इनके ऊपर पॉलिसीज़ बनाते हैं, क्योंकि और फिर इनको हम इनके ऊपर राज करेंगे. तो उसके लिए बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जो कि नवाब है, जो कि बंगाल है, उस टाइम रिच किंगडम था. उस टाइम पर सिराज-उद-दौला को हराया रॉबर्ट क्लाइव ने. और उसके कुछ टाइम बाद ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें तीन राजा एक साथ मिलकर लड़ाई, उन्होंने एक साथ मिलकर जो है किसके अगेंस्ट लड़ाई की थी, ब्रिटिशर्स के. बट उसमें भी ये लोग हार गए थे. और अब क्या था कि ब्रिटिशर्स जो है, जो बंगाल था, अब डायरेक्ट किसके कंट्रोल में आ गया था, ब्रिटिशर्स के. अब जब वो
उसको जीत चुके थे तो अब उन्होंने नई नई पॉलिसीज़ बनाना शुरू किया, और उन पॉलिसी के थ्रू उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट को, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को अपने अंडर में किया। और वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी, दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड द सब्सिडरी अलायंस। नाउ लेट्स स्टार्ट, दिस इज माई अंडरलाइन दे, सब्सिडरी ऑफ अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस बाई लॉर्ड वेल्सले According to this alliance, the Indian ruler who had a lot of rivalry among themselves could seek British protection but had to give up their native troops and be maintained by the British troop within their kingdom. अगर किसी के पास पावर है नहीं है इस पॉलिसीज़ के अंतर जो कि लॉर्ड वेल्सली ने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय अलायंस, अलायंस मीन्स एन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज पॉलिटिकल पार्टीज टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग कॉमन। उसमें यह था कि जब किंग कैपेबल है या नहीं है, किंग स्ट्रॉन्ग है वीक है, दे डोंट नो, उनकी अपना जो एक आर्मी है वो कहाँ पर रहेगी, वो अंडर द उस स्टेट में रहेगी और उनको सर्व करेगी, बिकॉज उन्होंने एक ऐसा साइकोलॉजिकल बना दिया था कि यू पीपल आर नॉट एबल, कि आप अपनी आप को प्रोटेक्ट या अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, ओनली ब्रिटिशर्स आर एबल टू डिफेंड यू, तो दैट्स वाई दे मेड अ पॉलिसी और दे मेड अ साइकोलॉजी ऑल्सो दैट यू आर वीक, यू आर नॉट एबल टू फाइट एनफ, सो हम आपकी जो है प्रोटेक्ट करेंगे और उसके उसमें आपको क्या करना होगा, जैसे कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको सेव करेंगे, तो उस रिगार्डिंग आप हमें क्या दोगे, मनी दोगे और आप हमें ट्रूप्स दोगे। दिस इज़ सब्सिडरी अलायंस। एंड द सेकेंड वन इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दिस इज़ ऑल्सो वन पॉलिसी और अ स्ट्रैटेजी डिवाइज बाय लॉर्ड डलहौजी वेयर बाय द ब्रिटिश वुड एनेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय एनेक्स, टू टेक कंट्रोल ऑफ अ कंट्री। नाउ What is doctrine of lapse was a strategy devised by Lord Dalhousie, जिसके अंदर आपने देखा था कि जो रानी झांसी और की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, उनको उस पॉलिसी के अंडर जो है अपनी झांसी देनी पड़ी थी, इसके लिए उन्होंने काफ़ी लड़ाई की थी। और ये क्या है doctrine of lapse, this is if the any king or any ruler died without leaving any natural heir to the throne, this स्टेट और दिस एरिया और दिस रीजन वुड बी अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। अगर किसी राजा जो है वो विदाउट एनी नेचुरल हेयर, मतलब उसको कोई अपना डिसेंडेंट्स नहीं है या अपनी कोई उसकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं है, तो ही वो जो एरिया होगा वो स्टेट होगा वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज़ सब्सिडरी अलायंस एंड सेकेंड वन इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इस तरह इन सब पॉलिसीज़ के अंडर वो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को अपने अंडर कर रहे थे। सून इंडिया बिकेम अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, दिस एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। और ऐसे धीरे धीरे जब उनका कंट्रोल ब्रिटिशर्स का इंडियंस के ऊपर होने लगा, तो जो इंडिया है वो एक कॉलोनी बन गया। ना व्हाट इज़ कॉलोनी, ऑक्यूपाइड एंड कंट्रोल्ड बाय सेटलर फ्रॉम अनदर कंट्रीज। कॉलोनी क्या होता है, जिसके ऊपर किसी दूसरी बाहर से आए हुए लोगों का जो है सेटलमेंट हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, दैट पार्ट इज़ नोन एज कॉलोनी। नाउ दिस एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ अ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। नाउ द डिसकंटेंटमेंट अमंग इंडियंस, अब इंडियंस के बीच में ये सारी पॉलिसीज़ हुई, उसके बाद आपने देखा कैसे झांसी से उन्हें निकाल दिया गया था, इवन उनके जो अडॉप्टेड सन है उसको जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, बिकॉज दे वांट दैट कि झांसी उन्हें मिल जाए। और बहुत सारे ऐसे थे, झांसी के हम ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उस इम्पॉर्टेंट था एक रानी चेन्नम्मा, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। उस टाइम पर बहुत सारे किंग थे जिनके अपने डिसेंडेंट नहीं थे, तो उन्होंने वो सारे एरियाज़, वो सारे स्टेट जो हैं अंडर दिस पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ले लिए, तो ऑब्वियसली वो स्टेट उनके कंट्रोल में चला गया। सब्सिडरी अलाउंस के थ्रू उन्होंने क्या किया कि किंग कैपेबल है वीक है स्ट्रॉन्ग है दे डोंट नो, दे वॉन्ट देयर ट्रूप इन देयर आर्मी, तो ऑब्वियसली जब वो उसमें रहेगा, एक तो ऑलरेडी किंग के पास एक अपना आर्मी ग्रुप है, उसके अलावा भी उसको दूसरी आर्मी को प्रोटेक्ट करना, इवन उसको एज एन गिफ्ट जो है और सैलरी प्रोवाइड करना, लैंड प्रोवाइड करना, तो इससे क्या हो रहा था, डे बाय डे इंडियन इकोनॉमी क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी। और जो ब्रिटिशर्स थे डे बाय डे वो क्या हो रहे थे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, क्योंकि जब एक टाइम के बाद जब
सब्सिडरी अलायंस के थ्रू जब एक राजा, जब एक किंग ये सारी चीज़ें नहीं दे पाता था, तो उस पॉलिसी के अंडर भी वो सारा किंगडम जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाता था। क्या नहीं दे पाता था कि उनके ट्रूप्स को वो सैलरी या गिफ्ट या जो प्रोवाइड नहीं कर पाता था, और अच्छे से नहीं दे पाता था, टैक्स नहीं दे पाता था, तो वो सारा लैंड भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाता था। नाउ इससे लोगों के अंदर क्या हुआ, डिसकंटेंटमेंट। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस सम पॉजिटिव चेंजेस ऑफ विच कैन बी एक्सपीरियंस टिल टुडे। दे इंट्रोड्यूस रेलवे सिस्टम टू मेक कम्युनिकेशन फास्टर। दे बिल्ड वाइड रोड्स एंड रिकंस्ट्रक्टेड द ग्रैंड ट्रंक रोड। ब्रिजेस वर ऑल्सो constructed over the rivers. The cities were connected through postal and telegraph system and stamp were used on letter and instead of cash payment. ये तो हम बात कर रहे थे policies की, लेकिन इंडियन ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर जो है काफ़ी लंबे टाइम तक रूल किया है, तो उनका एक ये भी था कि उन्होंने जो है कम्युनिकेशंस को फास्टर करवाया, रेलवे लाइंस और जो रेलवे ट्रैक आज हम देखते हैं वो ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही है। इवन सो मैनी मोन्यूमेंट्स आर फ्रॉम द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स, लाइक आवर दिल्ली यूनिवर्सिटी, आवर पार्लियामेंट, सो मैनी मोन्यूमेंट्स। बट इसको बनाने के लिए ये नहीं था कि दे वॉन्ट टू ग्लोरीफाई द इंडियन मोन्यूमेंट, नो। देर इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉन्ट्रो, एक उनकी क्रूअल इसके पीछे भी वो था, राज था कि वो ये सब क्यों करना चाहते थे। ऑब्वियसली दे वॉन्ट टू इम्प्रूव मोर एंड मोर इन देयर ट्रेड। दे ऑल्सो वॉन्ट अ चीप लेबर फ्रॉम इंडियंस। Reconstructed the Grand Trunk Road. Bridges were also constructed over the river. The cities were connected through postal and telegraph system. Stamps were used instead of cash payment. In spite of some positive development, there was discontentment among the Indians. The British exploited Indian economy and treated the Indians badly. जैसे कि मैंने ये सारे पॉजिटिव चेंज थे कि वो अब टेलीग्राम सिस्टम शुरू कर रहे थे, उन्होंने रेलवे ट्रैक्स बनवाया, GT रोड जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट वो है, ग्रैंड ट्रंक रोड है। ब्रिजेस बनवाए उन्होंने, सिटीज़ को कनेक्ट किया पोस्टल और टेलीग्राम सिस्टम के थ्रू। ये सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट थे जो थ्रू ब्रिटिशर्स हुए, लेकिन इन चेंजेस के पीछे ब्रिटिशर्स का इंडियंस के लिए कोई ये नहीं है कि दे सॉफ्ट कॉर्नर था। दे वॉन्ट सच टाइप ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ देयर वेलफेयर, नॉट फॉर इंडियंस। बट एट दैट टाइम इंडियन थॉट दैट दे दीज थिंग्स वर डन फॉर देयर बेनिफिट्स। सो नाउ आफ्टर दीज पॉजिटिव सम इंडियंस इकोनॉमी के अंदर जो है ये सब इंडियंस से जो है वो बैडली ट्रीट करने लग गए थे, और इंडियन इकोनॉमी डे बाई डे डाउन होती जा रही थी। नाउ लेट्स रीड some reason for discontentment are given below. The farmers were ill-treated and had to pay heavy taxes. They had to pay taxes even when their crops failed due to natural disaster. They had to cultivate crop which the British wanted. They were forced to grow indigo and cotton. Yes, बहुत सारे discontentment जिसको हम बोलेंगे, what do you mean by discontentment, की लोगों के जो थे, लोग जो थे सेटिस्फाइड नहीं थे, उनके अंदर रोष था, गुस्सा था। वो क्या था, क्योंकि वो फार्मर्स को इल्ट्रीट करते थे, हैवी टैक्स फार्मर्स को पे करने पड़ते थे। इवन अगर उनका जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं लाइक ड्रॉट है या फ्लड है या लैक ऑफ इरीगेशन सोर्सेज ऑफ लैक ऑफ इरीगेशन है, दे डोंट नो एनी थिंग, दे वॉन्ट हैवी टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स। Even the crops fail due to natural disaster. Even they have to force for the cultivation of cotton and indigo because Indian indigo is very good and very rich, very in demand in British country. So now the economic policies of the British ruined the Indians. Now our subsidiary alliance and the doctrine of lapse, and after the heavy taxes, now the policy of the Indians or the policies of the British ruined the Indians. Obviously at that time mostly people occupation was farming. So people have to pay, even the farmers have to pay heavy taxes, or they are
forced to grow indigo and cotton. Now the Indian economy in very worst state. Now third one, artisan and craft persons were badly affected by the large scale import of cheap goods manufactured by the British. They lost their means of earning. आर्टिशन जो थे, जो कढ़ाई करते थे, शॉल बनाते थे, या जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, जो सोड बनाते थे, इवन पेंटिंग्स बनाते थे, दे ऑल्सो अफेक्टेड एंड दे लॉस देयर मीन्स ऑफ लर्निंग एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड. रॉ कॉटन वॉज इन ग्रेट डिमांड फॉर देयर फैक्ट्रीज. द रॉ कॉटन फॉर दीज फैक्ट्री वॉज supplied from India. In England, the speed of the manufacturing fabric on the new machine was much faster. The mill-made cloth was sold at very cheap price in the foreign markets. The Indian weaver and cloth maker were badly affected. After the Industrial Revolution के बाद जो है वहाँ पर एक Indian cotton की demand बहुत fast हो गई, but उस speed से जो कि एक Industrial Revolution हुआ, उस speed से वो मशीन्स ऑब्वियसली जो हैं, मशीन ने अब ज़्यादा ह्यूमन बींग का काम कर, ह्यूमन जब आपके एक सेक्टर में मशीन्स का रोल हो जाता है तो आपका ह्यूमन बींग के एफर्ट्स कम हो जाते हैं. तो उससे भी क्या हुआ, मिल मेड क्लोथ वॉज सोल्ड और वो जो कपड़ा होता था वो चीप रेट पर बिकता था फॉरेन मार्केट्स में, और उससे जो है इससे इंडियन वीवर्स और क्लोथ मेकर जो हैं बहुत badly affected, and the cotton industry in India received a big setback. Lakhs of weavers became unemployed. The British did not allow the Indian to open cotton mill and factory in India. Britishers ये चाहते थे कि Indian जो हैं सिर्फ वो cotton बनाएं जो कि बाहर countries में export हो. वो ये नहीं चाहते थे कि जो Indian weavers हैं वो India के अंदर अपना cotton mill और factories open करें. Why? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन से सस्ते चीप रेट्स पर जो है कॉटन लेकर ब्रिटिश फैक्ट्रीज़ में भेजते थे. और ब्रिटिश फैक्ट्री जहाँ की जो कि वहाँ पर 1600 में जो कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए रॉ कॉटन जो है वो इंडिया से जाता था और वो चीप रेट पे जाता था. दैट्स वाई द ब्रिटिशर डोंट अलाउ द इंडियन वीवर्स टू सेटल देयर कॉटन मिल्स एंड फैक्ट्रीज इन इंडिया. However, the Indian had to supply raw cotton to England for manufacturing the fabric. Now, the fifth one, there was growing anger against the unfair policies of the British. और day by day, जैसा कि उन्हें heavy tax pay करना है, उनको forcefully indigo और cotton grow करना है, और artist और craft person की life जो है वो affect हो रही थी, और वो अपनी factories और cotton mill नहीं खोल सकते थे. तो धीरे धीरे करके जो है लोगों के बीच में एक ग्रोइंग एंगर एंड दिस और ये सारी अनफेयर पॉलिसीज के अगेंस्ट एक गुस्सा आने लगा. नाउ द इंडियन सोल्जर वर सो अनहैप्पी, दे वर कंसीडर्ड टू बी द इन्फीरियर ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर एंड वर इल ट्रीटेड. अब लोगों के अंदर गुस्सा दिखाई देने लगा. इवन इन द इंडियन आर्मी उस टाइम पर क्या था कि जो ब्रिटिशर्स आर्मी के अंदर भी इंडियन आर्मी थे, लेकिन उनको as comparative to British army, British soldiers से lower feel कराया जाता था. Why? Anger among the Indians led minor revolt against the British rule in the middle of the 18th century. These revolt were crushed by the British as they had better soldier and weapons. और धीरे धीरे जो लोगों में गुस्सा होने लगा, इवन उनकी आर्मी में भी गुस्सा दिखाई देने लगा, जिसका रिजल्ट क्या निकला, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम हमारे कंट्री का जो है पहला फर्स्ट नेशनलिज्म, और यू कैन से द रिवोल्ट सोड द सीड ऑफ नेशनलिज्म. नाउ इन मे 1857 देयर वाज अ मैसिव रिवोल्ट इन मेरठ व्हिच इज़ नोन एज रिवोल्ट ऑफ 1857. इट इज़ आल्सो नोन एज द सिपाही म्यूटिनी. इसको एक रिवोल्ट, इन सब चीज़ों का ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई भी चीज़ होती है, ऐसा नहीं होता ना. धीरे धीरे जब लोगों के अंदर वो देख रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं हमें ऑल अराउंड सराउंड सारी चारों तरफ से जो है हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चाहे वो हमारी पॉलिसीज के थ्रू हो, सब्सिडरी अलाइंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हैवी टैक्सेस, फोर्स टू ग्रो इंडिगो, आर्टिशियंस और
फैक्ट्री सेटल नहीं करने दे रहे हैं। इवन इंडियन वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर भी उनको अपॉइंटमेंट होता है, बट उनको जो है ब्रिटिश आर्मी से नीचे रखा जाता है, उनको कभी भी एक हाई पोस्ट नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? ताकि वो सुपीरियर ना समझें और वो हमें हमेशा हमारे अंडर ही रहें। इससे लोगों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा एंगर जो है वो इकट्ठा हो गया था। उसको फिर हम मई 1857 के अंदर एक मैसिव रिवोल्ट हुआ, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरठ से हुआ, जिसको बोला जाता है द रिवोल्ट ऑफ 1857 और सिपोई म्यूटिनी। इट वॉज स्टार्टेड बाई इंडियन सोल्जर कॉल्ड एज सिपोइज, दे वर लेड बाई मंगल पांडे। यस, अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस रिवॉल्ट वॉज लेड बाई फर्स्ट मंगल पांडे, जो कि आपने एक मूवी भी देखी होगी कि कैसे ये स्टार्ट हुआ था। दीज सोल्जर वर नॉट इल ट्रीटेड बाय द ब्रिटिश, बट दे ऑल्सो रिसीव्ड लेस वेजेस। ये वो सोल्जर्स थे, इवन मंगल पांडे जो है ही इज़ वेरी सिंसियर ब्रेव, एंड ऐसा नहीं है कि उसको इल ट्रीट किया जाता था, लेकिन उसको एज कंपैरेटिव टू ब्रिटिशर्स जो है उसको सैलरी या वेजेस नहीं मिलती थी। नाउ द इमीडिएट कॉज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल्स टू बी यूज्ड बाय द सोल्जर्स, जो कि एक स्पार्क का हो, और यू कैन से द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द 1857 और द स्पार्क ऑफ द 1857, दोनों एक ही चीज़ हैं। वो क्या था? जो एनफील्ड राइफल्स के अंदर जो कार्टेज यूज किए जाते हैं, उसमें उनको उस टाइम पर वो कार्टेज को एनफील्ड राइफल में लगाने से पहले मुंह से उसको खोलना पड़ता था। सो इट वाज र्यूमर दैट द कवर ऑफ द कार्टेज वर ग्रीस्ड विद एनिमल फैट। ये एक र्यूमर था कि उसका जो कार्टेज पर जो ग्रीस है वो एनिमल फैट्स का बना हुआ है। दिस हर्ट द रिलीजियस सेटलमेंट ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदूज़ को बोला गया कि उसके ऊपर जो ग्रीस्ड कार्टेज के ऊपर जो ग्रीस्ड एनिमल फैट है वो काऊ का है, मुस्लिम को बोला गया वो जो एनिमल ग्रीस्ड है वो पिक का है। तो दिस इज़ द वेरी रिलीजियस, बोथ इंडियन सोल्जर्स, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स रिफ्यूज टू यूज़ दिस कार्टेज बिकॉज फॉर अस, फॉर हिंदू जो है जो गाय है जो काऊ है उसकी हम पूजा करते हैं, एंड सेम एज इन द मुस्लिम। दिस रिवोल्ट स्प्रेड टू मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री लाइक मेरठ, अंडरलाइन दिस, ये एज एन मैप पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, लाइक मेरठ, लखनऊ, कानपुर एंड झांसी। दिस रिबेलियन ऑफ द इंडियन सोल्जर्स वॉज सून लुक्ड अपॉन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जैसे कि मैंने बताया कि ये पहला इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसी के थ्रू जो है लोगों के अंदर ये समझ आने लगा था कि अगर हम एकजुट होकर एक साथ मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम कभी भी इनकी पॉलिसी से और ब्रिटिशर्स से कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगे। तो दिस रिवॉल्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। So if somebody asks, if the question arises, what is the first independence, what is the first war of independence, the answer is the revolt of 1857, and that is the also called as Sepoy Mutiny, and this was led by Mangal Pandey, and revolt was started in Meerut. Now the revolt spread to many parts of the country like Meerut, Lucknow, Kanpur and Jhansi. This rebellion of the Indian soldier was soon looked upon as the first war of Indian independence. This Indian rebel were joined by many rulers like Nana Sahib, Tatya Tope, Rani Lakshmibai, Kumar Singh and many more. The Sepoy overthrew their superior and marched to Delhi. On 11th May 1857, the Sepoy of the Meerut Regiment captured Delhi and proclaimed the last Mughal Emperor, Bahadur Shah Zafar. Underline this, the last Mughal Emperor was Bahadur Shah Zafar as their leader. The British fought back and Bahadur Shah Zafar was captured and exiled to Burma, present day in Myanmar, where he later died. This present an end to the reign of the mighty Mughal in India. Though the revolt continued for over a year, it was finally crushed by the British in 1858. Many rulers like Rani of Jhansi and the Nana Sahib were killed. ये पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था जो कि स्टार्ट किया मंगल पांडे ने, और इसका जो स्पार्क मूवमेंट था और द इंटरमीडिएट रिएक्शन था, दैट वाज द र्यूमर दैट द
Enfield rifle's cartridge was greased with animal fat, so the both Hindu and Muslim were disagree with this. They don't want or they refuse to use this cartridge, and this revolt spread in many part of the India, Meerut, Lucknow, Kanpur and Jhansi, and so many leaders, so many big kings or the leaders played an important role in this war of independence. And the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar died and captured, exiled to Burma. एंड इसमें जो है झांसी की रानी जो थी और नाना साहेब थे जो उनकी डेथ हो गई थी. सो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर दिस वीडियो. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट एंड व्हाई दिस रिवोल्ट फेल्ड और व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दिस रिवोल्ट ऑन ब्रिटिशर्स, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो वी विल मीट इन आवर गूगल मीट एंड आई विल आस्क यू सो मैनी questions from it. So you just read your chapter. Till then, take care. Bye bye.